नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अक्सर आरटीआई को लेके आजकल बड़ी विवादित बातें होती हैं। अभी बीच में एक जजमेंट भी आ गया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि 2 करोड़ से ज़्यादा के केसेस पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपका टैक्स इविशन पिटिशन लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा। अगर उसे ज़रूरी लगेगा तो ही लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा। हालांकि उसमें बाद में कुछ संशोधन हुए, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए तो चीज़ें थोड़ी सी आरामदायक हुई। फिर भी अक्सर मैंने देखा है कि आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8 या फिर सेक्शन 24 का हवाला देकर अक्सर आरटीआईज कैंसिल कर दी जाती हैं या उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है और आगे किसी को कोई रास्ता समझ में नहीं आता है। इस पर मैंने कई बार लोगों को सलाह भी दी कि सेक्शन 19 का हवाला देकर आप वापस से अपनी अपील लगा सकते हैं, और अगर उसके बाद ऐसा नहीं होता तो जाकर आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग यानी कि आपका स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में आप केस लड़ सकते हैं आपके द्वारा पाई गई या चाही गई सूचना का सही उपलब्धता ना कराने पर, आधी अधूरी होने पर केस लड़ सकते हैं। बावजूद उसके फिर भी काफ़ी लोगों को सफलता कई बार नहीं मिल पाती है। तो इसका कोई तगड़ा सॉल्यूशन है? ऐसा सॉल्यूशन कि इतनी लंबी प्रक्रिया में गुजरना, 2-3-4-5 महीने खराब होना और उसके बावजूद असफलता हासिल होना या फिर आधा अधूरा जवाब मिलना, तो क्या इसका कोई ऐसा तोड़ है कि हम इधर जवाब मांगे उधर जवाब हाथों हाथ मिले? तो आज मैं एक बेहतरीन सोल्यूशन बता रहा हूँ जो शायद मेरे हिसाब से YouTube पर अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग एजुकेटेड हो जाएं, और एजुकेटेड होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका स्किल डेवलपमेंट होता है, आप में एक अवेयरनेस आती है, और इसी तरह का स्किल डेवलपमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं अपने कोर्सेज के थ्रू। और ये जो कोर्सेज है ना, इनके थ्रू काफ़ी लोगों ने अपने केसेस में ज़बरदस्त डेवलपमेंट लिया है, बहुत बुरी परिस्थितियों में फंसे हैं, पुलिस पीछे लगी हुई है, SDM पीछे लगे हुए हैं, कोई क्या कर रहा है झूठे केसेस के अंदर, ये मत सोचिए कि उन्होंने भी अपराध किया था, बावजूद उसके उन सबसे निकलकर वो निकल कर आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर झूठे 370-376 के केसेस लगे, बहुत कम टाइम में वो अपने केसेस से निकले हैं, और यही इन कोर्सेज की ताकत है, अवेयरनेस। अगर आप भी इन लोगों की तरह मजबूत और हौसलामंद अपने केसेस को चलाना चाहते हैं तो फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालिए। मैसेज डालने के बाद आपको एक सूचना मिलेगी मैसेज के थ्रू और सारी डिटेल्स वहाँ पर आ जाएंगी। फिर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम आपको एक अलग से काउंसलिंग भी देने के लिए कोशिश करेंगे। आप अगर किसी कानूनी समस्या में फंसे हुए, वीडियो देखकर आपके दिमाग में कोई उलझन है और उस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा और आपको लगता है कि मैं उपयुक्त व्यक्ति हूं जो समस्या का समाधान कर सकता हूं, तो इस सूरत में आप मुझे इस मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट के लिए डिमांड कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा, दिए हुए टाइम पर आपको कॉल आएगी और फिर आपसे बात हो पाएगी। अब आज के टॉपिक की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यह है कोई ना कोई दावपेच चलता रहता है, पर क्यों हमें RTI के थ्रू ये डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं पहले ये सोचिए, और क्यों नहीं मिलते हैं उसका भी जवाब मिलेगा कि मिलने तो चाहिए पर गेम खेला जाता है। असल मुद्दा यह है कि कई लोग अति महिलावादी हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि असल में पुरुष वाकई परेशान है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पुरुष बहुत अच्छे होते हैं, पुरुष बहुत घटिया भी होते हैं, उनकी गलतियों का परिणाम कई बार भले पुरुष भुगत रहे होते हैं और उनकी जीवन में खलल पैदा होती है। इस तरह के कड़े कानून इसलिए बनाए गए कि पुरुषों की सोच काफ़ी हद तक बहुत गलत होती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, पर सभी पुरुषों की सोच गलत होती है, सभी पुरुष कैरेक्टरलेस होते हैं, सभी पुरुष दहेज मांगते हैं, सभी पुरुष रेप करते हैं, ये नहीं माना जा सकता। और कई बार इस मेंटालिटी के लोग प्रशासन में बैठे होते हैं जो कि पुरुषों का सहयोग करने से पीछे हटते हैं, उनकी सोच इस चीज़ को पार ही नहीं कर सकती कि लोग अच्छा भी सोचते हैं। मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है कि आपके केसेस के अंदर झूठे एफिडेविट के साथ ये लिख के दे दिया जाता है कि आपने बहुत महंगा दहेज डिमांड किया, या फिर उन्होंने कोई प्लॉट बेच के, या फिर उनके पास इतनी आय अर्जित थी कि 76 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 25 लाख रुपये, 20 लाख रुपये आप पर एक अघोषित आय का हिस्सा आप पे खर्च कर दिया गया आपकी शादी में, या फिर आपको दहेज के रूप में दे दिया गया। अब इन सब चीज़ों का जब आप रिकॉर्ड किसी भी संबंधित स्पेशली आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांगते हैं अपने ससुराल वालों के बारे में, तो वो देने में अक्सर आनाकानी करते हैं, लिंगर ऑन करते हैं, उल्टे सीधे जवाब लिख देते हैं, जो जवाब देना चाहिए वो खुलकर नहीं लिखते हैं। तो इस तरह के दस्तावेज को प्रकट कैसे किया जाए? केस में अक्सर एक एक दिन भारी होता है, धीरे धीरे केस जो झूठा होता है वो सबूतों के अभाव में आपकी तरफ उल्टा पड़ता रहता है, क्योंकि वहाँ भी कुछ अति महिलावादी प्रक्रिया चल रही होती है और झूठी महिलाओं को प्रेशर देकर उनको केस में मजबूती दी जा रही होती है। तो ऐसी सूरत में आपके लिए इस तरह का प्रमाण, इतना ठोस प्रमाण होना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि RTI के द्वारा जब सूचना मांगी जाती है तो अक्सर जो सेक्शन 24 का हवाला देके या सेक्शन 8 का हवाला देके बातों को काटा जाता है कि इस तरह के दस्तावेज उपलब्ध कराना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हम इससे बंधे हुए नहीं हैं। अब इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 76 होता है, जो सेक्शन 76 होता है वो आपको बकायदा एक स्ट्रांग मजबूती देता है कि लोक दस्तावेज यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट
आपको सबूत के तौर पर दिया जा सकता है। एविडेंस एक्ट ये भी कहता है कि दस्तावेज जो है अगर वो लोक दस्तावेज होगा तो वो सभी के लिए होगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, खास तौर से उन केसेस में जब आपको किसी ने उस डिपार्टमेंट की वजह से आरोपित किया है, जैसे कि दहेज देना। अब इतनी आय का रिकॉर्ड और ब्यौरा तो यही डिपार्टमेंट रखता है, और इसी डिपार्टमेंट से हमें वो लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसकी वजह से हम ये साबित कर सकें कि या तो हम ही गलत थे, और अगर हम गलत नहीं हैं तो सामने वाले ने गलती की है, झूठ बोला है, या फिर झूठ बोलकर इनकम टैक्स की चोरी की है, कुछ भी है, पर वो डॉक्यूमेंट बाहर आ जाता है। अब दोस्तों, इसमें ऐसा क्या बाध्यकारिता है, तो मैं बिल्कुल कहूँगा हाँ, इसमें बाध्यकारिता है, अगर आपने इसके थ्रू एप्लीकेशन लगाई तो 101% आपको किसी भी तरह के डिपार्टमेंट से सूचना प्रदान करना, उस डिपार्टमेंट का एविडेंस एक्ट के अंडर आने से बकायदा तुरंत सूचना देना जरूरी है, क्योंकि इसमें स्पष्टीकरण दिया हुआ है, इसी बात का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जब ये सेक्शन पूरा खत्म होता है तो नीचे एक्सप्लेनेशन भी जरूर पढ़िएगा, वहाँ लिखा हुआ है कि देना जरूरी है, मांगे जाने पर सूचना देना जरूरी है। इसके लिए कोई भी निर्धारण नहीं किया सकता, कोई भी चीज़ और निर्धारित नहीं किया सकती, जो सूचना मांगी गई वही दी जाए, और ये इतना तुरंत होता है कि ये बहुत जल्दी मिलता है, इसमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं है महीनों का, कुछ दिनों के अंदर ही या कुछ घंटों के अंदर ही ये सूचना आप तक पहुँचती है। और अगर आप इसके अंदर अपने कोर्ट केस का हवाला देते हैं तो उन्हें एविडेंस प्रोवाइड कराना आवश्यक हो जाता है, एविडेंस प्रकट करना आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि RTI से ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। अच्छा, प्रैक्टिकल किया है तो हाँ जी बिल्कुल प्रैक्टिकल किया है, रिजल्ट्स आए हैं, इसमें ज़्यादा नानुकर नहीं है, क्योंकि ये जो मैटर है ये पूरी तरह से लोक कल्याण के लिए है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि सेक्शन 76 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है वो पूरी तरह से इस बात के लिए एक तरीके से RTI को रिप्लेस तो नहीं करता है, पर RTI का काम जरूर करता है। और इसी महत्वपूर्ण जजमेंट के आधार पर हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, और इस फॉर्मेट से आप बकायदा किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते हैं। आप ये ड्राफ्ट जो फॉर्मेट का है, ये जो फॉर्मेट है, इसको आप बकायदा हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर मैसेज डालिए, मैसेज के थ्रू आपको मिल जाएगा, पेड है वर्जन, इसलिए वहाँ आकर कई क्रांतिकारी आंदोलन कर देते हैं। वैसा ना करें कि आपको बाद में लगे कि नहीं साहब ये पेड क्यों है, मैं पहले ही आपको यहाँ अनाउंस करके चल रहा हूँ कि पेड वर्जन है, एक मिनिमम आपको राशि प्रदान करनी पड़ेगी उसके बाद, क्योंकि हमारी मेहनत लगती है इन रिसर्च में, हम भी बहुत अपना टाइम पैसा कंज्यूम करते हैं, तब जाके ऐसी बारीक बारीक सूचनाएँ आप तक लेके आते हैं, और इतनी फ्री वीडियोज़ बनाए हैं, तो जब हमारा रिसर्च डेवलपमेंट चलेगा तो आपके सहयोग से भी चलेगा, आपका लाखों रुपए का फायदा हो रहा है, तो हम कुछ अंश की बात करते हैं, कोई लूट नहीं मच रही है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि काफ़ी लोगों ने वहाँ कर विवाद किए हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता है कि आप अच्छे दर्शक होकर भी इस तरह की चीज़ करते हैं, पर ज़्यादातर लोग सौम्य और सभ्य हैं, जानते हैं किसी की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, किसी की अपनी व्यावसायिक मजबूरियाँ होती हैं, सब अपने तरीके से करते हैं, और हम मजबूर तो नहीं हैं, पर हाँ रिवॉर्ड तो चाहते हैं, अच्छा काम करेंगे तो आपको देना भी पड़ेगा। मैंने ये बात इसलिए थोड़ा स्पष्टीकरण के साथ कही है, जिससे कि आगे के लिए भी आप मानसिक रूप से तैयार रहें और खुश रहें। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है और ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मेट है, अगर आपने इसको अप्लाई किया तो RTI की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत हद तक ये इसी का काम कर रहा है, खास तौर से कई महत्वपूर्ण क्रिमिनल केसेस में भी इस तरह के रिकॉर्ड्स निकलवाए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूरत आपकी पूरी होती दिख रही है तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ आज की वीडियो से।